नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए नौगाढ़ा श्रृंखला द्वितीय में आज हम जीपीआरए रूल के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जीपीआरए का मतलब होता है जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रूल्स, और जीपीआरए रूल्स है वो आए थे 2017 में, मतलब कि सरकारी आवास आवंटन के क्या नियम होते हैं, बिल्कुल अपडेटेड और लेटेस्ट रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज है। इस सीरीज का नाम है नौगाढ़ा श्रृंखला, और नौगाढ़ा श्रृंखला द्वितीय में आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एनवीएस, केवीएस, यूपीएससी, और साथ में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। साथियों, अगर आप इन परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारी रखते हैं तो नौगाढ़ा श्रृंखला आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी। देखते हैं नौगाढ़ा श्रृंखला द्वितीय का पहला क्वेश्चन। 21. विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी क्लासिफाइड एज हायर टाइप ऑफ अकोमोडेशन, निम्नलिखित में से किसे उच्च प्रकार के आवास के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, मतलब कि कौन से आवास को, कौन सी श्रेणी को आप उच्च श्रेणी, हायर कैटेगरी बोलेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, टाइप फोर्थ टू टाइप एट, टाइप फोर्थ स्पेशल टू टाइप एट, टाइप फिफ्थ ए टू टाइप एट, टाइप सिक्स ए टू टाइप एट। तो सही कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, बी हो जाएगी, टाइप फोर्थ स्पेशल टू टाइप एट, मतलब कि यहाँ पर हम देखेंगे टाइप फोर्थ है वो क्या हो जाएगा, उच्च श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ पर टाइप फोर्थ स्पेशल कैटेगरी है उससे लेकर के, और टाइप एट श्रेणी है वो क्या हो जाती है, उच्च श्रेणी में आती है। ये आई मार्क क्वार्टर होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, अधिकारी वर्ग को दिए जाते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, टाइप फोर्थ स्पेशल टू टाइप एट विल बी क्लासिफाइड एज हायर टाइप ऑफ अकोमोडेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाउ इज द एंटाइटल्ड टाइप ऑफ अकोमोडेशन डिटरमाइंड टू एन एप्लीकेंट, हिंदी अर्थ देख लेते हैं। एक आवेदक के लिए हकदार प्रकार के आवास का निर्धारण कैसे किया जाता है, मतलब कि एंटाइटल्ड अकोमोडेशन कौन सा होगा, कैसे उसको निर्धारित किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स, विद रिस्पेक्ट टू पे ड्रोन इन द प्रेस्क्राइब लेवल इन द पे मैट्रिक्स दैट इज बेसिक पे, विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल पोस्ट अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स, और डी है विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट हेल्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर अकोमोडेशन। तो किस आधार पर एंटाइटल्ड टाइप है अकोमोडेशन की उसको निर्धारित किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा किसी भी एप्लीकेंट के लिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, विद रिस्पेक्ट टू पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स, मतलब कि जिस तरीके का पे लेवल होगा उसी तरीके से एंटाइटल्ड टाइप ऑफ अकोमोडेशन है वो दे दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पे लेवल इन पे मैट्रिक्स है वो क्राइटेरिया बताया गया है एंटाइटल्ड टाइप ऑफ अकोमोडेशन के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ पे फॉर अलॉटमेंट ऑफ वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल टू लेडी एम्प्लॉइज, महिला कर्मचारियों को कार्यरत बालिका छात्रावास आवंटन के लिए वेतन की पात्रता क्या है, मतलब कि लेडीज डॉर्मेट्री है वो अलॉट करनी होती है, लेडीज एम्प्लॉइज के लिए लेडीज डॉर्मेट्री है वो रूल के तहत अलॉट की जाती है। तो क्या क्राइटेरिया होगा लेडीज डॉर्मेट्री या लेडीज हॉस्टल है वो अलॉट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, पे लेवल 6 एंड अबव ओनली, पे लेवल 9 एंड अबव ओनली, पे लेवल 1-6 ओनली, नो लिमिट ऑफ इमलमेंट्स प्रेस्क्राइब्ड। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, नो लिमिट ऑफ इमलमेंट्स प्रेस्क्राइब्ड, मतलब कि गर्ल्स हॉस्टल या लेडीज डॉर्मेट्री के लिए, लेडीज हॉस्टल के लिए कोई ऐसे कैटेगरी नहीं बनाई गई है कि क्या पे लेवल होना चाहिए, वहाँ पर डॉर्मेट्री है वो अलॉट की जाती है लेडीज एम्प्लॉई के लिए, वहाँ पर जेंट्स नहीं रह सकते, मतलब सिर्फ महिला कर्मचारी हैं वहाँ पर रह सकती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के महिला कर्मचारी हैं एक साथ में रखी जाती है, जिनको गर्ल्स हॉस्टल कह सकते हैं या लेडी हॉस्टल कह सकते हैं, डॉर्मेट्री कह सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, नो लिमिट ऑफ इमलमेंट्स प्रेस्क्राइब्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following categories of employees shall be considered for allotment of type 8 of residences? निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कर्मचारियों को प्रकार 8 के आवास के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा, मतलब कि टाइप 8 के आवास हैं वो किनको दिए जाएंगे इनमें से। ऑप्शन देख लेते हैं, एम्प्लॉयज ऑफ पे लेवल 6 एंड अबव ओनली, एम्प्लॉयज ऑफ पे लेवल 9 एंड अबव ओनली, एम्प्लॉयज ऑफ पे लेवल 14 एंड अबव ओनली, और डी है एम्प्लॉयज ऑफ पे लेवल 17 एंड 18 ओनली।
तो किसको दिए जाएंगे? ये हाईएस्ट टाइप है, टाइप एट है, वो टाइप एट क्वार्टर है, वो हाईएस्ट टाइप के कहलाते हैं, मतलब कि एट टाइप है, वो हाईएस्ट कैटेगरी है, तो ये किसको अलॉट की जाएगी, कौन से ऑफिसर्स को दी जाएगी? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, एम्प्लॉयज ऑफ पे लेवल 17 एंड 18, जिनका हाईएस्ट पे लेवल होता है 17 और 18 पे लेवल होता है, उनको हाईएस्ट टाइप का क्वार्टर अलॉट किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाउ विल द डेट ऑफ प्रायोरिटी बी डिटरमाइंड फॉर टाइप फर्स्ट टू टाइप फोर्थ अकोमोडेशन? टाइप फर्स्ट से टाइप फोर्थ आवास के लिए प्राथमिकता की तिथि कैसे निर्धारित की जाएगी, मतलब कि प्रायोरिटी डेट है वो कैसे डिटरमाइन की जाएगी, किसको पहले क्वार्टर दिया जाएगा, किसको बाद में दिया जाएगा, और ये क्वार्टर के टाइप कौन से है, टाइप फर्स्ट से फोर्थ है, इनको कैसे दिया जाएगा, ये प्रायोरिटी तिथि है वो कैसे निर्धारित की जाएगी, प्राथमिकता तिथि कैसे निर्धारित की जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, बी ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर अकोमोडेशन ऑनलाइन और मैनुअली थ्रू ऑफिस, ऑन द बेसिस ऑफ पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स ऑफ द एप्लीकेंट, और डी ऑप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक पे ड्रॉन व्हाइल मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर अकोमोडेशन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, मतलब कि प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे निर्धारित करेंगे, किसको पहले क्वार्टर अलॉट किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग को प्रायोरिटी के लिए निर्धारित किया जाएगा कि जो पहले होगा, जिसने पहले ज्वाइन किया है उसको पहले प्रायोरिटी कैटेगरी में रखेंगे, जो बाद में ज्वाइन किया होगा तो उसको बाद में रखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो निर्धारित की जाती है टाइप फर्स्ट से टाइप फोर्थ के लिए, और यहाँ पर स्टेशन सीनियरिटी है वो भी देखी जाती है। तो आगामी वीडियोज में भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो रहा है, ए हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। हाउ विल द डेट ऑफ प्रायोरिटी फॉर टाइप फोर्थ स्पेशल एंड अबव अकोमोडेशन बी डिटरमाइंड? टाइप फोर्थ एस और उससे ऊपर के आवास के लिए प्राथमिकता की तिथि कैसे निर्धारित की जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर अकोमोडेशन ऑनलाइन और मैनुअली थ्रू ऑफिस, और सी है ऑन द बेसिस ऑफ द डेट फ्रॉम विच द एप्लीकेंट हैज बीन कंटिन्यूअसली एलिजिबल फॉर द टाइप ऑफ अकोमोडेशन एज पर द लेवल इन द पे मैट्रिक्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक पे ड्रॉन वाइल मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर अकोमोडेशन। तो क्या कैटेगरी हो जाएगी अगर आप टाइप फोर्थ और उससे हायर कैटेगरी के क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो उनके क्वार्टर की प्रायोरिटी को निर्धारित करने के लिए क्या चीजें डिटरमाइनिंग फैक्टर का काम करेंगी? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, ऑन द बेसिस ऑफ द डेट फ्रॉम विच द एप्लीकेंट हैज बीन कंटिन्यूअसली एलिजिबल फॉर द टाइप ऑफ अकोमोडेशन एज पर द लेवल इन द पे मैट्रिक्स। तो ये तो आप पहले वाले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि प्रायोरिटी कैटेगरी है वो निर्धारित की जाती है सीनियरिटी के आधार पर, और टाइप फोर्थ और उससे ऊपर के कैटेगरी है तो यहाँ पर जिस दिन से आप उस क्वार्टर के लिए एलिजिबल हुए हैं और उस दिन से एलिजिबिलिटी के आधार पर आपकी सीनियरिटी है वो प्रायोरिटी कैटेगरी में कंसीडर कर ली जाएगी, प्रायोरिटी कैटेगरी में शामिल कर ली जाएगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, ऑन द बेसिस ऑफ द डेट फ्रॉम विच द एप्लीकेंट हैज बीन कंटिन्यूअसली एलिजिबल फॉर द टाइप ऑफ अकोमोडेशन एज पर द लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फैक्टर विच शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द इंटरसे सीनियरिटी ऑफ टू और मोर एप्लीकेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइप फोर्थ स्पेशल एंड द अबव अकोमोडेशन। निम्नलिखित में से उस कारक की पहचान करें जिसे टाइप फोर्थ एस और उपरोक्त का मतलब है कि ऊपर वाले आवास के संबंध में दो या दो से अधिक आवेदकों की पारस्परिक वरिष्ठता के लिए नहीं माना जाएगा, मतलब कि उनकी इंटर से सीनियरिटी है पारस्परिक वरिष्ठता है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस इज एलिजिबल पे लेवल ऑफ द एप्लीकेंट्स, डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द एप्लीकेंट्स, डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन ऑनलाइन और मैनुअली। तो कौन सा पॉइंट है यहाँ पर गलत हो जाएगा? डी हो जाएगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन ऑनलाइन और मैनुअली, मतलब कि डेट ऑफ एप्लीकेशन किसी ने पहले दे दिया किसी ने बाद में दे दिया, टाइप फोर्थ और उससे ऊपर वाले के अकोमोडेशन के लिए आपने पहले एप्लीकेशन दे दिया बाद में दे दिया, ये डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होगा, प्रायोरिटी उसके आधार पर नहीं दी जाएगी,
वहां पर आपकी पेड मैट्रिक्स में पे लेवल देखा जाएगा तो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो कंसीडर नहीं होगी अलॉटमेंट के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 28। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर्ड फॉर एलिजिबिलिटी इंटरसे सीनियरिटी फॉर द पर्पज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ जीपीआरए। जीपीआरए के आवंटन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से किस पर पात्रता परस्पर वरिष्ठता के लिए विचार किया जाएगा, तो पात्रता और वरिष्ठता है वो किस पर आधारित होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, बेसिक पे दैट इज पे ड्रोन इन द प्रेस्क्राइब लेवल इन द पे मैट्रिक्स, बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ओनली, बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस प्लस मिलिट्री सर्विस पे ओनली, और डी है बेसिक पे प्लस पर्सनल पे ओनली। तो क्या चीज कंसिडर की जाएगी पात्रता के लिए, बेसिक पे दैट इज पे ड्रोन इन द प्रेस्क्राइब लेवल इन द पे मैट्रिक्स, जो बेसिक पे होगी उसके आधार पर क्वार्टर है वो अलॉट किया जाएगा, वहां पर एलिजिबिलिटी या इंटर से सीनियरिटी है वो निर्धारित की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, बेसिक पे दैट इज पे ड्रोन इन द प्रेस्क्राइब लेवल इन द पे मैट्रिक्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। व्हेन विल एन एप्लीकेशन फॉर अकोमोडेशन नॉट बी एंटरटेन्ड, आवास के लिए आवेदन पर कब विचार नहीं किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी इन एनी प्लेस ऑन हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑन ट्रांसफर टू एनी प्लेस विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ सुपरवेन्यूएशन विद इन 1 year ऑफ द डेट ऑफ सुपरवेन्यूएशन। तो कब कंसिडर नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन पर, निश्चित रूप से इसका उत्तर आपको पता है विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ सुपरवेन्यूएशन, मतलब कि कोई कर्मचारी 6 महीने के अंदर अगर रिटायर हो रहा है तो उसको एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अकोमोडेशन के लिए उसने अप्लाई किया है तो 6 महीने के अंदर जब वो रिटायर हो रहा है तो उसको ये प्रायोरिटी कैटेगरी नहीं दी जाएगी, या उसके अकोमोडेशन के लिए एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द डेट ऑन विच द ऑटोमेटेड सिस्टम इन द अलॉटमेंट ऑफ होस्टल अकोमोडेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, छात्रावास के आवास आवंटन में स्वचालित प्रणाली किस तारीख से शुरू की गई थी, मतलब कि ऑटोमेटेड सिस्टम है वो अलॉटमेंट का शुरू हो गया है तो हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए कौन सी डेट से ये ऑटोमेटेड सिस्टम है वो लागू हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं, 1/1/2010, 1/6/2010, 1/7/2010, 1/12/2010। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, 1 December 2010, मतलब कि 1 December 2010 से ये सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम लागू हो गया। वहाँ पर एक कमांड दी जाती है सीनियरिटी के आधार पर, एलिजिबिलिटी के आधार पर, पहले किसको क्वार्टर अलॉट होगा बाद में किसको होगा ये निर्धारित किया गया। ऑटोमेटेड होगा अपने आप कंप्यूटराइज मैनर से वो क्वार्टर अलॉटमेंट हो जाएगा, ये सिस्टम है ऑटोमेटेड सिस्टम। हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए कब लागू हुआ, 1 December 2010 को शुरू हो गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन कैन एन एप्लीकेंट चूज प्रेफर सुइट्स ऑफ हिज हर चॉइस फॉर अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन ड्यूरिंग ए मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ सुइट्स वेकेंट अप टू द लास्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग मंथ, पिछले महीने के अंतिम दिन तक खाली रहने वाले सुइट के संबंध में 1 माह के दौरान छात्रावास के आवास के आवंटन के लिए एक आवेदक अपनी पसंद के सुइट्स को कब चुन सकता है, पसंद कर सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ड्यूरिंग 1st to 9th ऑफ द मंथ, ड्यूरिंग 1st to 15th ऑफ द मंथ, ड्यूरिंग 10th to 20th ऑफ द मंथ, ड्यूरिंग 21st to 30th ऑफ द मंथ। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ड्यूरिंग 1st to 9th ऑफ द मंथ, मतलब कि कोई सुइट है खाली था और उसके लिए आपने आवेदन कर दिया है तो कंसीडर हो सकता है। अगर पहली से 9वीं तारीख महीने की 1st date से लेकर के और 9th date तक आपने अगर अप्लाई कर दिया है तो आपको वो खाली सुइट जो पिछले महीने में खाली था वो आपको अलॉट हो सकता है, मिल सकता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, ड्यूरिंग 1st to 9th ऑफ द मंथ। मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन विल द अलॉटमेंट ऑफ सुइट्स इन द हॉस्टल अकोमोडेशन बी मेड टू द एप्लीकेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंट सुइट्स फॉर विच एन एप्लीकेंट हैड मेड ए चॉइस, रिक्त स्वीट्स के संबंध में आवेदकों को छात्रावास के आवास में स्वीट्स कब आवंटित किए जाएंगे जिसे एक आवेदक ने चुना है। ऑप्शन देख लेते हैं, 10th of the succeeding month, 10th of the month, 20th of the month, 20th of the succeeding month। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 10th of the month। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा आपने 1 से 9 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पिछले महीने में कोई
सीट खाली था तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 10वें दिन आपको वो क्वार्टर है वो मिल सकता है, आपको वो सीट है वो अलॉट हो सकता है, वैकेंट सीट अगर है तो आपको अलॉट हो जाएगा। 10th ऑफ डे को आपको मिल जाएगा, उस मंथ के महीने की 10 तारीख को आपको मिल जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। साथियों अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द पीरियड ऑफ डिबारमेंट प्रेस्क्राइब टू एन एप्लीकेंट फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द अलॉटमेंट ऑफ स्वीट्स ऑफ हिज हर चॉइस। एक आवेदक को उसकी पसंद के स्वीट्स के आवंटन को स्वीकार नहीं करने के लिए निर्धारित डिबारमेंट की अवधि क्या है? मतलब कि आवेदक को पसंद का स्वीट है वो दे दिया गया था और उसने उसको अकोमोडेट नहीं किया, ऑक्यूपाई नहीं किया, तो वहां पर डिबारमेंट की अवधि कितनी हो जाएगी? आगे उसको कितने दिनों तक क्वार्टर नहीं मिलेगा या वो स्वीट है वो नहीं मिलेगा? ऑप्शन देख लेते हैं, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और अगर नया कोई प्रकार है तो आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 ईयर। 1 साल तक उसको पसंद का अगर क्वार्टर दे दिया गया या स्वीट अलॉट कर दिया गया, उसने चॉइस भरी थी और वो चॉइस दे दी गई, उसको अलॉट कर दिया, वो उसमें अकुपाई नहीं कर पाया, उस क्वार्टर को उसने लिया नहीं, स्वीकार नहीं किया, तो 1 साल तक वो आगे अप्लाई नहीं कर सकता, आगे एप्लीकेशन नहीं दे सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्वार्टर अलॉटमेंट के लिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 ईयर। क्वेश्चन देख लेते हैं 34। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट इन लोअर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन हैज डिस्पेंस्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित प्रकार के सरकारी आवासों में स्वचालित आवंटन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके साथ समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी, स्पीडी अलॉटमेंट, हायर ऑक्युपेंसी ऑफ हाउसेज, कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल एक्सेप्टेंस। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये बात को खत्म कर दिया, ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट आया है, मतलब कि ASA जब से लागू हुआ है, जब से ऑटोमेटेड सिस्टम अलॉटमेंट का आया है तब से ये कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल एक्सेप्टेंस है वो खत्म हो गया। उसको एक डेट बताई गई है, उस डेट तक आपको अकुपाई करना होगा, अन्यथा वो क्वार्टर है आपको नहीं मिलेगा और डिबारमेंट भी हो जाएगा। तो ये बात खत्म हो गई है। ट्रांसपेरेंसी अभी भी है, ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट में अभी भी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाता है, और निश्चित रूप से स्पीडी अलॉटमेंट तो हो गई, और हायर ऑक्युपेंसी ऑफ हाउसेज है ये भी बात ध्यान रखनी है, परंतु ये बात ASA में हटा दी गई है, कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल एक्सेप्टेंस है ये बात को खत्म कर दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल एक्सेप्टेंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इन द इवेंट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस बाई एन एप्लीकेंट व्हाट इज द पीरियड ऑफ डिबारमेंट फॉर फर्दर अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर्स इन द ऑटोमेटेड सिस्टम। किसी आवेदक द्वारा अस्वीकार किए जाने की स्थिति में स्वचालित प्रणाली में क्वार्टरों के आगे आवंटन के लिए डिबारमेंट की अवधि क्या है? मतलब कि उसको ऑटोमेटिक सिस्टम में क्वार्टर अलॉट हो गया था और उसने उसको लिया नहीं या ऑक्युपाई नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो कितने दिनों तक उसको डिबारमेंट रखा जाएगा, क्या अवधि होगी? ऑप्शन देख लेते, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, नो पीरियड ऑफ डिबारमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 1 ईयर। स्वीट्स के लिए भी यही था और आगे के क्वार्टर के लिए भी यही हो जाएगा, 1 साल तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, आवेदन नहीं कर सकता ऑटोमेटिक सिस्टम से या ऑनलाइन सिस्टम से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन देख लेते हैं 36। व्हेन विल द अलॉटमेंट ऑफ आउट ऑफ टर्न बेसिस टू ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई बी डीम्ड टू बी रेगुलराइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लाइसेंस फी। लाइसेंस शुल्क की गणना के उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर आवंटन कब नियमित माना जाएगा? मतलब कि आउट ऑफ टर्न कोई क्वार्टर दे दिया है तो लाइसेंस फीस है वो कब से लगेगी? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑन अलॉटमेंट ऑफ अल्टरनेट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉई अंडर रूल्स 49 and 50 ऑफ GPRA रूल्स। इफ एनी जूनियर ऑफिसर हैज बीन अलॉटेड द सेम टाइप ऑफ अकोमोडेशन ऑन रेगुलर अलॉटमेंट। इफ एनी जूनियर ऑफिसर हैज बीन अर्लियर अलॉटेड द सेम टाइप ऑफ अकोमोडेशन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। और डी है, आफ्टर ऑफर ऑफ रेगुलर अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन फ्रॉम द यूनिफाइड वेटिंग लिस्ट फॉर दैट टाइप ऑफ अकोमोडेशन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इफ एनी जूनियर ऑफिसर हैज बीन अलॉटेड द सेम टाइप ऑफ अकोमोडेशन ऑन रेगुलर अलॉटमेंट, तो आउट ऑफ टर्न क्वार्टर अलॉट किया गया है तो कोई जूनियर ऑफिसर है उसको रेगुलर अलॉटमेंट हुआ है तो उसके अकोमोडेशन को जो अलॉटमेंट हुआ है उसके अनुसार आउट ऑफ टर्न के लिए
लाइसेंस फी है वो निर्धारित कर दी जाएगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एप्लीकेशंस रिसीव्ड अप टू विच डेट विल बी इंक्लूडेड इन द वेटिंग लिस्ट अंडर ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट। स्वचालित आवंटन प्रणाली के अंतर्गत किस तिथि तक प्राप्त आवेदनों को प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ, फिफ्थ ऑफ ईच मंथ, टेंथ ऑफ ईच मंथ, फिफ्टींथ ऑफ ईच मंथ। तो स्वचालित सिस्टम में अगर आवंटन प्रणाली की वेटिंग लिस्ट तैयार करनी है तो वेटिंग लिस्ट है उसको कौन सी डेट तक आवेदन प्राप्त होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा। फिफ्टींथ ऑफ द ईच मंथ मतलब 15 तारीख तक जो भी एप्लीकेशन आएंगे उनको ऑटोमेटेड सिस्टम में वेटिंग लिस्ट में कंसीडर कर लिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन देख लेते हैं 38। When will the regular allotment be made for type 4th accommodation in the automated system of allotment? स्वचालित आवंटन प्रणाली में type 4th आवास के लिए नियमित आवंटन कब किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, on 10th of each month, on 15th of each month, on 25th of each month, on 30th of each month। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, on 25th of each month। मतलब कि महीने की 25 तारीख तक टाइप 4th के अकोमोडेशन है उनके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम में रेगुलर अलॉटमेंट है वो हो सकता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑन 25th ऑफ ईच मंथ। क्वेश्चन देख लेते हैं 39। व्हेन विल द रेगुलर अलॉटमेंट बी मेड ईच मंथ फॉर टाइप 3rd अकोमोडेशन इन द ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट। स्वचालित आवंटन प्रणाली में टाइप 3rd आवास के लिए प्रत्येक माह नियमित आवंटन कब किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑन 10th ऑफ ईच मंथ, ऑन 15th ऑफ ईच मंथ, ऑन 20th ऑफ ईच मंथ, ऑन 28th ऑफ ईच मंथ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑन 28th ऑफ ईच मंथ। मतलब कि टाइप 3rd है तो 28 तारीख तक जो भी आवेदन मिलते हैं उनको अलॉटमेंट हो सकता है। इससे पहले वाले में टाइप 4th में 25 तारीख तक आवेदन आएंगे तो रेगुलर अलॉटमेंट हो सकता है। ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट में यहाँ पर टाइप 3rd के लिए 28 तारीख तक आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑन 20th ऑफ ईच मंथ। और साथियों नौगाड़ा श्रृंखला द्वितीय का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 40। व्हेन विल द रेगुलर अलॉटमेंट बी मेड ईच मंथ फॉर टाइप 2nd अकोमोडेशन इन द ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट। आवंटन की स्वचालित प्रणाली में टाइप 2nd आवास के लिए प्रत्येक माह नियमित आवंटन कब किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑन 2nd ऑफ ईच मंथ, ऑन 5th ऑफ ईच मंथ, ऑन 10th ऑफ ईच मंथ, ऑन 25th ऑफ ईच मंथ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ऑन 2nd ऑफ ईच मंथ। मतलब कि दूसरी तारीख तक, सेकेंड डेट तक जो टाइप 2nd के अलॉटमेंट है उनके लिए रेगुलर अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। और ये रेगुलर अलॉटमेंट है वो किसके तहत किया जा रहा है? ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट में किया जा रहा है, ASA में किया जा रहा है। इस तरीके से सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ऑन 2nd ऑफ ईच मंथ। इस तरीके से फ्रेंड्स हमें नौगाड़ा सीरीज 2nd के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। और आज के क्वेश्चंस हैं वो आधारित थे GPRA पर, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट GPRA रूल्स 2017 पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है नौगाड़ा सीरीज। नौगाड़ा सीरीज के क्वेश्चंस हैं आपको परीक्षा में निश्चित रूप से मिलेंगे। जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मतलब कि स्टाफ क्वार्टर्स रूल 2017 पर आधारित आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मित्रों अगर आप एस्पिरेंट है NVS प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल PGT पोस्ट के लिए भी, तो नॉलेज मंडली ने एक बिल्कुल यूनिक सीरीज चलाई हुई है धौलागढ़ माता श्रृंखला। धौलागढ़ माता श्रृंखला में कवर किया जा रहा है कंप्लीट नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन है धौलागढ़ माता सीरीज में कवर किए जा रहे हैं। तो आप धौलागढ़ माता सीरीज की सारे वीडियो देख करके अपने प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।